वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय बायसू स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम ईमेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स से मिल जाएगा लेट स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ई मेल तो कौन सी कंट्री में ईमेल इन्वेंट हुई थी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इन्वेंटेड? तो कौन सी ईयर में ईमेल सर्विस इन्वेंट हुई थी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1971। अच्छा स्टूडेंट्स मैं एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम यहां पे कर रहे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं तो आप ध्यान से इन ट्वेंटी क्वेश्चन को कर लीजिए बिकॉज इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ़ मेल तो ई मेल की फुल फॉर्म क्या होती है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल ई मेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये इंटरनेट की हेल्प से सेंड की जाती है और मेल का मीन्स एक मैसेज या लेटर तो वो मेल वो मैसेज जो इलेक्ट्रिकली मींस इंटरनेट की हेल्प से सेंड किया जाए उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ई मेल तो फादर ऑफ ई मेल हम किसे बोलते हैं या ये कह सकते हो कि ई मेल की इन्वेंशन किसने की थी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रे टॉमलिसन अच्छा ये है रे टॉमलिसन जिन्होंने ईमेल की इन्वेंशन की थी रे टॉमलिसन अमेरिकन इंजीनियर हैं जिन्होंने पहली ईमेल सेंड की थी 1971 में और एट द रेट सिंबल उसकी हेल्प से इन्होंने सेंडर एंड होस्ट कंप्यूटर का नेम सेपरेट किया था किसकी हेल्प से एट द रेट सिंबल से तो ये आगे जाके हम और भी चीजें इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा जो मैं अपने हर लेक्चर में आपको बोलता हूं कि कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता सो so, अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे तभी तो कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो ईमेल एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हो और कौन से डिवाइसेस को यूज करके आप मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं तो ये देखिए मोबाइल लैपटॉप टैबलेट या कोई और भी डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम ईमेल सेंड करते हैं तो ये सारे क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एन ई मेल एड्रेस आइडेंटिफाइज एन ई मेल बॉक्स टू विच मैसेजेस आर डिलीवर्ड तो जो ई मेल एड्रेस होता है किसी का भी ई मेल एड्रेस का मीनिंग है कि कौन से एड्रेस पे ये मेल जाएगी तो ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई करता है कि, कि किसको मेल भेजनी है और कहां पे वो मेल स्टोर होगी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ईमेल बॉक्स तो उस पर्सन के ईमेल बॉक्स में वो मेल जाएगी जिस पर्सन का एड्रेस जो है वो मेंशन होगा सेंडर के कॉलम में तो ईमेल बॉक्स जैसे इनबॉक्स में मेल्स मोस्टली स्टोर होती हैं बाकी ऑप्शंस भी अभी आगे जाके आपको क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल पार्ट डैश एंड डैश तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूजर नेम एंड डोमेन नेम तो ईमेल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कौन कौन से हैं यूजर नेम एंड डोमेन नेम तो ये देखिए ये आपके सामने फॉर्मेट बताया हुआ है कि पहले एड्रेस होगा जिस पर्सन को ईमेल सेंड करनी होती है एट दी रेट और उसके बाद होगा कंपनी का नेम जिस कंपनी के साथ वो वाला एड्रेस जो है वो एसोसिएटेड है तो यूजर नेम क्या हो गया जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि किस पर्सन की ये ईमेल है और डोमेन नेम क्या हो गया एक कंपनी का नेम या किसी साइट का नेम या ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एंटिटी का नेम जिसके साथ वो ईमेल एसोसिएटेड है जैसे ये देखिए ये कुछ ईमेल एड्रेसेस आपके सामने हैं राजीव एट द रेट हॉटमेल डॉट कॉम पवन एट दी रेट जी मेल डॉट कॉम कमल एट दाहू डॉट कॉम तो ये आइडेंटिफिकेशन है किसी पर्सन की और उसके बाद एट द रेट सिंबल यूज किया है और आफ्टर दैट कंपनी का नाम जिस कंपनी से वो ई मेल एड्रेस बिलोंग करता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी ई मेल एड्रेस से ही रिलेटेड है द डैश सिंबल इज यूज टू सेपरेट द यूजर नेम एंड डोमेन नेम इन ईमेल एड्रेस तो अभी अभी हमने डिस्कस किया तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एट द रेट सिंबल तो अभी अभी हमने किया था कि यूजर नेम एंड कंपनी के नेम के इन बिटवीन जो सिंबल आता है वो कौन सा है एट द रेट सो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन जुलाई फोर्थ नाइनटीन नाइनटी सिक्स डैश लॉन्च द फर्स्ट फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस तो पहली ईमेल सर्विस कौन सी कंपनी ने लॉन्च की थी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हॉटमेल अच्छा हॉटमेल के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए हॉटमेल वाज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस विच वाज फाउंडेड इन 1996 बाय जैक स्मिथ एंड सबीर भाटिया ऑफ इंडिया तो ये दो पर्सन थे जिन्होंने हॉटमेल सर्विस को इन्वेंट किया था तो आजकल हॉटमेल किस नाम से जानी जाती है तो आउटलुक के नाम से आजकल हॉटमेल को जाना जाता है तो आउटलुक का पूरा नेम है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तो ये डेट एंड कंपनी का नेम आपको दोनों अच्छे से याद होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन एन इनबॉक्स इज अ फोल्डर ऑन कंप्यूटर और फोन आर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिसीव्ड तो इनबॉक्स में वो ई मेल्स होती हैं जो हमें आती हैं मीन्स रिसीव होती हैं। अच्छा इनबॉक्स फोल्डर की हम बात कर रहे थे तो ये देखिए ये है इनबॉक्स तो जितनी भी मेल्स आपको रिसीव होंगी वो सारी इनबॉक्स में आती हैं। बाकी और भी फोल्डर्स हैं उनके बारे में धीरे धीरे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे तो इनकमिंग मेल जो होती हैं वो सारी कहां पे स्टोर होती हैं इनबॉक्स में बाकी फोल्डर्स के बारे में हम आगे वीडियोस में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल स्पैम इज डैश मैसेजेस सेंट इन बल्क बाय ईमेल तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनवांटेड तो ईमेल स्पैम क्या होते हैं अनवांटेड मैसेजेस तो ये देखिए स्पैम ईमेल के बारे में हम यहां पे डिस्कस करते हैं तो स्पैम ईमेल को हम और क्या क्या बोलते हैं अनसोलिसिटेड एंड अनवांटेड जंक ईमेल तो अगर क्वेश्चन में ये वाली ऑप्शन हो तो आप यहां पे टिक करोगे और अगर ऑप्शन में ये हो तो आप इस पर टिक करोगे तो स्पैम ई कौन सी होती हैं जो कंपनीज अपने कमर्शियल पर्पस के लिए हमें सेंड करती हैं तो यहां पे यह देखिए एक स्पैम फोल्डर भी अवेलेबल होता है इनबॉक्स के नीचे और ट्रैश फोल्डर के ऊपर तो मोस्टली कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये ईमेल्स हमें सेंड करती हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है डिलीटेड ईमेल्स आर यूजुअली स्टोर्ड फॉर डिफाइंड टाइम इन द डैश तो जो डिलीटेड ईमेल्स होती हैं वो कौन से फोल्डर में स्टोर होती हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रैश फोल्डर तो ये देखिए ये आपके सामने यहां पे ट्रैश फोल्डर भी नजर आ रहा है तो ट्रैश फोल्डर में कौन सी ईमेल स्टोर होती है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं और एक और क्वेश्चन है जो ट्रैश फोल्डर से रिलेटेड आता है कि जो ईमेल्स थर्टी डेज पुरानी हो जाती हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रैश फोल्डर से डिलीट हो जाती है मीन अगर आप कोई भी ईमेल को डिलीट करते हो तो वो ट्रैश फोल्डर में जाएगी और अगर आप ट्रैश फोल्डर से भी उसे डिलीट कर दोगे तो वो परमानेंटली वहां से डिलीट हो जाएगी लेकिन अगर आप उसे ट्रैश फोल्डर से डिलीट नहीं करते तो वो थर्टी डेज के बाद ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाएगी मींस ट्रैश फोल्डर की जो एक्सपायरी है वो थर्टी डेज है तो ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन To write a new message or email, click on. अगर आप ईमेल से कोई मैसेज या ईमेल सेंड करना चाहते हो तो आप कहां पे क्लिक करोगे तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंपोज मेल तो ये देखिए जैसे आप जी में काम कर रहे हो और आपने कोई नई ईमेल सेंड करनी है तो आप यहां से कंपोज वाली ऑप्शन को क्लिक करोगे और आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहां पे टू वाले कॉलम पे आप उस एड्रेस को मेंशन करोगे जिसको आप ईमेल सेंड करना चाहते हो और सब्जेक्ट में आप मेंशन कर दोगे कि किस टॉपिक से रिलेटेड वो ईमेल है और आप अगर अटैचमेंट लगाना चाहो तो ई के साथ अटैचमेंट भी लगा सकते हो एंड सेंड पे क्लिक करके आप ई को सेंड कर दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इन्वॉल्विंग सेंडिंग हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ emails to टू अ email address एड्रेस जब हंड्रेड्स थाउजेंड्स और मिलियंस ईमेल सेंड होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ईमेल बॉम्बिंग तो जब बल्क में हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में या मिलियंस में ईमेल्स को सेंड किया जाता है मेल बॉक्स को ओवरफ्लो करने के लिए उसे हम बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग ये देखिए जैसे किसी आईडी पे बहुत सारी ईमेल्स एक साथ अलग अलग आईडी से सेंड की जाए तो उसे बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राफ्ट्स ड्राफ्ट्स आर तो क्या चीज है ईमेल में तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनी मैसेज यू आर राइटिंग अंटिल यू सेंड इट और ट्रैश इट जो ईमेल आप क्रिएट कर रहे हो या अभी सेंड नहीं की तो वो कहां पे होती है ड्राफ्ट्स में ये देखिए जैसे ये आपके सामने कुछ ड्राफ्ट ईमेल्स नजर आ रही है Means आप कोई email create कर रहे हो और आपने अभी किसी को सेंड नहीं की और इन बिटवीन ही आपने उसे क्रॉस कर दिया बंद कर दिया तो क्या होगा वो ई जो है वो ड्राफ्ट में स्टोर हो जाएगी और अगर आप वहीं से मतलब अगर आपने वहां पे अटैचमेंट भी लगाई हुई है और उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वहीं से ओपन हो जाएगी अगेन आप जिस जिस एड्रेस को वो सेंड करना चाहते हो एड्रेस मेंशन करके तो सेंड ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो वो ईमेल सेंड हो जाएगी तो इसी तरह से सारी की सारी ईमेल्स आप सेंड कर सकते हो या फिर अगर आप उसे डिलीट कर देते हो तब भी वो ड्राफ्ट फोल्डर से चली जाएगी तो यही लिखा है कि जो ई अभी तक सेंड नहीं हुई वो ड्राफ्ट फोल्डर में सेव्ड रहती हैं और आप कभी भी उन्हें सेंड कर सकते हो यह उतनी देर ड्राफ्ट में रहेंगी जितनी देर तक आपने उन्हें सेंड नहीं किया नेक्स्ट क्वेश्चन विच ई मेल सर्विस तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आउटलुक मेल तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि 1996 में सभीर भाटिया एंड जैक स्मिथ ने हॉटमेल को इन्वेंट किया था और उसी हॉटमेल को माइक्रोसॉफ्ट ने अक्वायर किया था और उसका नेम क्या रख दिया था माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तो हॉटमेल को 1997 में किसने अक्वायर कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने और आजकल यह किस नाम से जानी जाती है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ फाइल्स यू कैन सेंड इन अटैचमेंट तो ईमेल में जब आप अटैच करते हो किसी भी फाइल को मींस ईमेल के साथ जो जो फाइल्स हम भेजते हैं उन्हें हम अटैचमेंट बोलते हैं तो जो भी अटैचमेंट्स हम लगाते हैं वो किस फॉर्मेट में हो सकती हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एनी टाइप ऑफ फाइल मींस वो इमेजेस भी हो सकती हैं वो ऑडियो फाइल्स भी हो सकती हैं वो टेक्स्ट फाइल्स भी हो सकती हैं और इवन वो वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं तो अटैचमेंट्स किसी भी फॉर्मेट में हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या फिर इमेजेस वगैरह ही सेंड करते हैं तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में कौन से आ जाते हैं जैसे नोटपैड की फाइल्स हो गई एमएस वर्ड की फाइल्स हो गई या पीडीएफ फाइल्स हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल तो जब आप अटैचमेंट लगाते हो ईमेल में तो वो कौन से साइज की होनी चाहिए या उसकी लिमिट क्या है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25 फाइव एम बी मींस ट्वेंटी फाइव एम बी से ऊपर आप अटैचमेंट नहीं लगा सकते अगर आप एक अटैचमेंट लगाते हो तो वो ट्वेंटी फाइव एम बी की हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती और अगर आप इससे ज्यादा भी अटैचमेंट लगाते हो तो वो ट्वेंटी फाइव एम बी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर आपकी अटैचमेंट जो है वो ट्वेंटी फाइव एम बी से ऊपर हो जाए तो वो आजकल क्या होता है वो गूगल ड्राइव का लिंक बन जाता है तो ये देखिए तो जैसे आपने ट्वेंटी फाइव एम बी से ऊपर कोई फाइल अटैच की ईमेल के साथ ये है थर्टी वन एम बी की तो ये क्या हुआ वो ऑटोमेटिकली इट विल बी सेंड एज गूगल ड्राइव लिंक तो आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करने पे आपको वो फाइल मिलेगी तो ये गूगल का बहुत ही अच्छा एक फीचर है नेक्स्ट क्वेश्चन फिशिंग इज टाइप ऑफ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साइबर क्राइम तो फिशिंग को साइबर क्राइम माना जाता है तो फिशिंग एक्चुअल में है क्या चीज इसे साइबर क्राइम बोला क्यों जाता है तो फिशिंग से क्या किया जाता है कि कॉन्फिडेंशियल या पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने का काम किया जाता है किसके थ्रू ईमेल्स के थ्रू वेबसाइट्स e के, के थ्रू या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू तो अगर आपको कोई भी गलत ईमेल e आए और आप उस पर क्लिक करो और ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिमांड करे तो इस तरह की जो ईमेल्स e होती हैं उन्हें हम फिशिंग ईमेल्स e बोलते हैं तो ये साइबर क्राइम है किसी की भी इंफॉर्मेशन को चुराना चाहे वो किसी तरह से भी हो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू सेंड अ फाइल लार्जर देन ट्वेंटी फाइव एम बी इन जी मेल तो कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया था आपको कि कैसे ये होता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थ्रू गूगल ड्राइव या तो आप डायरेक्टली कोई भी चीज अपलोड करना चाहो ट्वेंटी फाइव एम बी से तो गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हो नहीं तो अगर आप उसे एज अटैचमेंट लोगे ईमेल के साथ तो वो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा या जेनरेट हो जाएगा जैसे मैंने अभी अभी ये वाली एग्जाम्पल के साथ आपको बताया तो ये ट्वेंटी फाइव एम बी से ज्यादा है इसका साइज तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ गूगल ड्राइव का लिंक बन गया आप डायरेक्टली भी गूगल ड्राइव में खुद अपलोड कर सकते हो क्योंकि गूगल ड्राइव का फीचर जो है वो आपके ईमेल एड्रेस के साथ ही एसोसिएटेड है स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें थैंक यू फॉर वॉचिंग